बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 24.2। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड है ए बी और ट्रायंगल की एक साइड है ए सी, इन दोनों साइड्स को एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है। If a line segment intersects the two sides of a triangle in the same ratio, ratio भी सेम है, यानी A से P तक का जो रेशो है A से Q तक का रेशो भी वही है, then it is parallel to the third side. It's mean कि ये third side के parallel line है, ये आपको prove करना है। सबसे पहले आपने लिखा given in triangle ABC, एक triangle given है आपको ABC, PQ cuts पी क्यू लाइन सेगमेंट कट कर रही है ए बी को एंड ए सी को, ए से बी और ए से सी लाइन सेगमेंट पी क्यू कट कर रही है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट, और ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, दे दिया गया है कि ए पी का रेशो पी बी, ए पी और पी बी का रेशो और ए क्यू और क्यू सी का रेशो, ये दोनों इक्वल हैं। प्रूफ ये करना है कि पी क्यू पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के। अब लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट पी सी, दीज आर द पैरेलल लाइन्स, ये आपको प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्ट किया इफ़ पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल, अगर पी क्यू पैरेलल नहीं होता, ड्रॉ बी के, हमने एक लाइन सेगमेंट बी के यहाँ ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ बी के मीटिंग ए सी, और ये ए टू सी लाइन को हमने सी को एक्सटेंड किया और इसको पॉइंट के जो है कट कर रहा है, इस पॉइंट बी के लाइन सेगमेंट कट कर रही है, यहाँ बी के मीटिंग ए सी एट पॉइंट के, अदर देन सी, सी पर नहीं कट कर रही बल्कि पॉइंट के, एक न्यू पॉइंट हमने लिखा कि इस पॉइंट पे कट कर रही है, अदर देन सी सच दैट पी क्यू पैरेलल टू बी के। और फिर हमने कंस्ट्रक्ट करके ये कहा कि पी क्यू, अब ये वाली लाइन पी क्यू और ये लाइन बी के, ये दोनों पैरेलल हो गई हैं, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है और अज्यूम किया है। अब हमने टू कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, अब मैंने यहाँ टू कॉलम्स ड्रॉ करने हैं और लिखना है फर्स्ट में स्टेटमेंट और आगे लिखना है इसके रीज़न इन ट्रायंगल ए बी के। अब मैंने यहाँ ट्रायंगल कंसिडर किया है, ट्रायंगल ए बी के, मैं यहाँ डायग्राम भी आपको सामने दिखाती हूँ कि ट्रायंगल ए बी के, यानी कि ए बी एंड के, ये ट्रायंगल आपने अब कंसिडर किया। अब इसमें कंसिडर करने के बाद आपने कहा कि पी क्यू पैरेलल है बी के, हमने कंस्ट्रक्ट किया, यानी लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट बी के, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है रीज़न। फिर नेक्स्ट हमने कहा ए पी का रेशो पी बी के साथ, ए पी का रेशो पी बी के साथ, ये तो सेम है, बट ए क्यू का रेशो क्यू के साथ, नॉट सी, अब हमने लिया क्यू के साथ। फिर क्योंकि रीज़न इसका यह है, लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर साइड प्रोपोर्शनली, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो पैरेलल होगी एक साइड ट्रायंगल के एक साइड पे, वो डिवाइड करेगी अदर साइड को प्रोपोर्शनली, यानी ये दोनों साइड्स ए टू क्यू एंड क्यू टू के और ए टू पी और पी टू बी, ये दोनों रेशियोज में डिवाइड होगी। बट लेकिन हमें तो गिवन है कि मेजरमेंट ए पी और इक्वल है पी बी के और मेजरमेंट ए क्यू इक्वल है क्यू सी के, यानी ये रेशियोज जो हैं ये हमें गिवन थे पहले, ये तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, तो हमने रीज़न इस पर लिख दिया गिवन। अब इस वजह से अब हम नोटिस करें, अगर ए पी रेशो पी बी दोनों साइड्स पर है, इसके साथ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो ये बन गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी फॉर एग्जांपल दिस प्रॉपर्टी सेज दैट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, this is a, this is b, and this is a, this is c, so we will equate b and c, तो हमने यही काम यहाँ पर किया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये दोनों बराबर हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एंटीसीडेंट क्या होता है, जो ऊपर लिखी हुई है वैल्यू, और कॉन्सिक्वेंट होती है जो नीचे लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। अब एंटीसीडेंट ए क्यू और ए क्यू, ये दोनों देखें सेम है यहाँ पर, लेकिन क्यू के और क्यू सी ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हमने कहा जब
रीज़न ये है कि इफ़ एंटीसीडेंट्स आर इक्वल देन कॉन्सिक्वेंट आर ऑल्सो इक्वल, तो हम ये कहेंगे कि QK और QC भी इक्वल है क्योंकि हमारे एंटीसीडेंट्स इक्वल हैं. सो हम ये कहेंगे कि QK और QC दोनों बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये दोनों बराबर हैं, यानी QK और QC सेम. QK और QC ये दोनों जो हैं सेम हैं, बराबर हैं. दिस इज़ पॉसिबल, ये तो उसी वक्त मुमकिन है व्हेन K कोइंसाइड विद C, जब K पॉइंट जो है वो C पर ही लाई करे, फिर ही पॉसिबल है. अदरवाइज तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल. Q इज़ कॉमन पॉइंट इन बोथ, Q कॉमन है लेकिन C और K डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हेंस हम कह देंगे कि पी क्यू पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के. आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो गलत है. और लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट बी सी पैरेलल है, और ये हमने प्रूफ कर दिया है. थैंक यू.